अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल थ्री मील्स बाय सिजरा। आज मैं आपके लिए ईद की नहायत ही मज़ेदार और आसान सी मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे कि आपको पता है बड़ी ईद आने वाली है, तो मैं आपके लिए मज़ेदार सी कुछ जो है नई डिशेज लेकर आई हूँ, जो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर और आपको ये बहुत पसंद आएंगी। चलिए अब हम चलते हैं मटन कढ़ाई की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। हाफ कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है। 2 मिनट तक यहाँ पे मैं ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसे फ्राई करूँगी। देखिए आप, चम्मच में ज़्यादातर फ्राई जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं जो हूँ इसके अंदर मटन शामिल करूँगी। मटन मैंने यहाँ पर 1 kg लिया है। मटन शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से चम्मच हिलाएँगे और गोश्त को 5 मिनट तक मैं घी में फ्राई करूंगी। यहाँ पे गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक जो है हर ज़रूरत यहाँ पे शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से जो है मैंने इसको मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए जो है गोश्त ढक के रख दिया था। आप देखिए गोश्त का जो है वो पानी निकलाया है। अब इसके अंदर जो है मैंने प्याज शामिल किए हैं। 2 जो है चॉप प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अब अच्छे तरीके से जो है वो प्याज को मैं गोश्त के अंदर जो है मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही जो है प्याज मिक्स हो जाएगी, यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। अब यहाँ मैंने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि गोश्त जो है वो गल जाए और पानी भी हमारे पास शुष्क हो जाए। यहाँ पे आप देखिए मैंने गोश्त गलने के लिए रख दिया है। इसे हम इतना पकाएंगे गोश्त हमारे पास गल जाए। जी यहाँ पर आप देखें गोश्त हमारे पास गल चुका है और थोड़ा सा ही इसके अंदर पानी रह गया है। अब इसके अंदर जो है मैं टमाटर आधे कटे हुए जो है वो डाल दूंगी और 5 मिनट तक दम दे दूंगी। हल्की आग पे हमें दम देना है। यहाँ पे देखें टमाटर गल गए हैं और इसके छिलके जो है मैंने उतार दिए। अब टमाटरों को अच्छी तरीके से जो है हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखें आपके टमाटरों को जो है मैं अच्छी तरीके से उसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। और साथ साथ जो है हम गोश्त को भूनते रहेंगे। देखें आप यहाँ पे अच्छी तरीके से जो है टमाटर भी मिक्स हो चुके हैं तकरीबन और गोश्त जो है वो भी भुन रहा है। अब इसके अंदर जो है मैंने दही शामिल किया है। हाफ कप मैंने दही शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर काली मिर्चें शामिल की है, कुटी हुई काली मिर्चें, कुटा हुआ जीरा जो है वो 1 teaspoon और सूखा धनिया साबित लेके मैंने उसको क्रश करके वो भी 1 tablespoon इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पे देखें आप, कढ़ाई जो है तकरीबन हमारे पास भून चुकी है और कितना अच्छा सा जो है वो रेड कलर आया है और घी भी जो है वो ऊपर आ गया है। 2 मिनट के लिए जो है हम इसे भूनेंगे और यहाँ पे मैंने जो है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दी है। मज़ेदार से मटन कढ़ाई तकरीबन यहाँ पर हमारे पास तैयार हो चुकी है। गार्निश के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च, अदरक और धनिया जो है वो डाल दिया है। मेरी आज की रेसिपी जो है यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी आज की मटन कढ़ाई की रेसिपी जो है आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू रेसिपीज़ आप तक शो हो सकें। मेरी आज की रेसिपी देखने के लिए शुक्रिया।